फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी बहुत ही अच्छा सा और नया तरीका, जिससे कि आप अपने बालों को नेचुरली ब्लैक कर सकते हैं, नेचुरली काला बनाए रख सकते हैं। जो सफेद बालों की समस्या शुरू हो गई है उसे भी आपका निजात मिलेगा। 100% आपको ये रिजल्ट देंगे, बिल्कुल आप इसी तरह से बनाइएगा। सबसे पहले हमें लेना है आयरन की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई लेना है आपको। और मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ ऑर्गेनिक हेना लीव्स पाउडर, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताई है अपनी वीडियोस में। और मैं देखिए यहाँ पे भी वाटर वगैरह कुछ ऐड नहीं किया, गैस के फ्लेम को मैंने ऑन रखा है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे हिना लीव्स जो है ना, मैं यहाँ पे 1 से 2 चम्मच देखिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। ये 2 चम्मच के अकॉर्डिंग आपको हिना लीव्स ले लेना है। ये मैंने मर्लिन नेचुरल की ली है, ये काफी अच्छी है। इसका कलर और टेक्सचर आप देख सकते हैं, काफी बेस्ट है। और इसे अप्लाई करने के बाद आपको 100% रिजल्ट मिलता है। आप खुद सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कि रियली हमारे बालों के लिए इतना वर्क करता है। और ये बेनिफिशियल है दोस्तों, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। क्या करना है आपको, हिना लीव्स इस तरह से इसमें ऐड कर देना है। मैं सारी इंग्रेडिएंट्स को इसी तरह से ऐड करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसके बाद अब हम ऐड करेंगे आंवला एलोवेरा, सॉरी ये है ऑर्गेनिक एलोवेरा पाउडर। जी हाँ, अगर आपको एलोवेरा नहीं मिलती है ना, तो आप एलोवेरा पाउडर जरूर लीजिए। ये आपके बालों को ना, सफेद बालों को काला बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। वैसे अगर आपके बाल सफेद हो चुके तो ये टर्न करने के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, जो कि मैंने लिया है यहाँ पे एलोवेरा लीव्स पाउडर, ठीक है। ये बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है। हमने मेहंदी ले लिया है और एलोवेरा के जो लीव्स के पाउडर है ना, बिल्कुल आपको भी उसी तरह से 1 से 2 चम्मच इसमें ऐड कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच एलोवेरा लीव पाउडर लिया है। यहाँ पे आपको हर एक चीज मेंशन की हुई रहती है, बहुत ही स्मूथ बनाता है हमारे बालों को। आप चाहे ना अपने बालों पे, तो ये जो एलोवेरा पाउडर है ना, इसके अंदर ऑरेंज का जो जूस होता है ना, उसे भी डाल के आप अपने बालों पे लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा होता है, उसकी खटास मिल जाती है बालों के लिए, तो रामबाण है। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ सोपनट पाउडर, जिसे कि देखिए 1 टेबल स्पून लेना है, ज्यादा नहीं। बालों में जितनी भी गंदगी होती है ना, ये रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा होता है ये सोपनट पाउडर, ठीक है। इन सारी चीजों को हमने ले लिया है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे आंवला का पाउडर, जो कि हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाती है। इन सारी चीजों को आपको ऐड कर लेना है। अब मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट, जैसे कि आप देख सकते हैं जो मैं बताऊंगी आपको। तो चलिए सबसे पहले इसमें वाटर ऐड कर लेते हैं। आप जितनी कंसिस्टेंसी बनाना चाहें अपने बालों के लिए उतना बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1 कप आपको वाटर ऐड कर देना है, ठीक है। और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे विदाउट लम्स, तो बिना लम्स पड़े हुए इन सारी चीजों को आपको मिक्स कर लेना है। गैस के फ्लेम को आपको एकदम स्लो रखना है, बीच में आप थोड़ा सा इस फ्लेम को हाई कर सकते हैं, ये देखिए। और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इसमें लम्स ना पड़े। जब हमारे बालों पे हम अपने अप्लाई करना शुरू करें ना, तो वो बहुत ही अच्छे से स्मूथ टेक्सचर में एकदम से रहे। तो वैसे भी ये जो चीज़ें हमने ऐड किए ना ऑर्गेनिक, ये बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि हमारे बाल हैं ना, इनसे बहुत ही अमेजिंगली कवर हो जाते हैं। और इनका जो टेक्सचर है, हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से इसका एप्लीकेशन लगता है हमारे बालों पे। इसीलिए हम टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है ना नेचुरल ऑर्गेनिक, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होती हैं। तो इसे सबसे पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, एक बॉईल आने देंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये जो मेरे पास मिक्सर है, मैं इसका किस तरह से यूज करूंगी मेहंदी के लिए, कि आपके बाल है ना ड्राई ना हो और तेजी से लंबे हो, और लंबे समय तक आपके बाल है ना काले बने रहे, सफेद बालों की समस्या ये सॉल्व कर देगा। बस इसका एक बूंद आपको इस मेहंदी में ऐड करना है। एक बॉईल आने देंगे यहाँ पे, देखिए बॉईल आना शुरू हो चुका है। इसे आपको इस तरह से मिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है अच्छी तरह से। बहुत ही अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर जब ये बनके रेडी हो जाए ना, तब आप गैस के फ्लेम को बंद करेंगे, इसे और थोड़ी देर पका लेते हैं हम अच्छी तरह से कम 1 से 2 मिनट इसे आपको अच्छे से पका लेना है। देखिए बहुत ही अच्छा सा बॉईल आ रहा है, ये बालों के लिए बहुत अच्छा है, हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, साथ ही साथ बालों में जितनी भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, धूल मिट्टी पोल्यूशन ऑब्वियसली मिलते हैं, बाल अगर झड़ते हैं ना,
तब भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ये रामबाण उपाय है सफेद बालों के लिए, तो ये अमेजिंगली वर्क करने वाला है। मैं इसे पर्सनली यूज करती हूँ दोस्तों, और बहुत सारी चीजें मैं यूज करती हूँ, ट्राई करती हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें अलग अलग यूज करना अपने बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और उनके रिजल्ट भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो देखिए ये किस तरह से बॉयल आ चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए एकदम स्मूथली बन चुका है, ये देखिए आपको देख सकते हैं आप, इस तरह से आपको इसे चेक करना है। एकदम स्मूथ ये बन जाए ना, तब आपको गैस के फ्लेम को बंद कर देना है, ठीक है। ये देखिए ये स्मूथ बन चुका है। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ इस लवंग के तेल को। जी हाँ, ये जो है ना, ये है लवंग का तेल। बस इसका मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए मैंने तो अपना इस तरह से इसे ढक के रखा था। ये लवंग का तेल दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छा होता है, अगर आप मेहंदी बना के ना अपने बालों पे लगा रहे सर्दियों के मौसम में, अक्सर आपको कुछ नहीं, बीच वाला जो ढक्कन है ना बस उसी तरह से आपको डाल देना है। दैट मीन्स मैंने यहाँ पे कुछ हाफ टेबल स्पून के अकॉर्डिंग ऐड किया है, सॉरी मेरे मुझे बीच में खांसी आ गई थी, तो यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून के अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। और देखिए ज्यादा लवंग नहीं डालना है लवंग के तेल को, बस इसी तरह से आपको इसे मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसे आपको रात भर के लिए ना इस तरह से ढक के छोड़ देना है। लवंग और इसमें जो हमने हेना और आंवला ऐड किया है ना दोस्तों, ये इतना अच्छा वर्क करेगा, बहुत ही इंस्टेंटली आपको नेचुरल डाइम बना के देता है। लवंग बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं हमारे बालों को काला बनाए रखने के लिए। आप लोगों को पता है जब भी आप मेहंदी का यूज करते तो लवंग के भाप लिया जाता है, उससे कैसे होता है हमारी जो मेहंदी होती है ना बहुत ही अच्छे से एकदम से आप लोगों को पता है एकदम डार्क ब्राउन हो जाती है, बहुत से लोगों की एकदम काली मेहंदी चढ़ जाती है। उसी तरह से हमने जो ये लौंग ऐड किया है ना इसके अंदर, ये आपके बालों को नेचुरली काला कलर प्रोवाइड करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। साथ ही साथ अगर आपको ईचिंग की प्रॉब्लम होती है ना स्कैल्प में, तो अभी इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। हेयर फॉलिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूँ ना, ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा होता है कि आपके बाल है ना जो वो लंबे मतलब तेजी से लंबे होना शुरू हो जाते हैं, लंबे समय तक ये काला भी बनाए रखेगा, ठीक है। बस इसी तरह से आपको इसे यूज करना है। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा आपको ये नेक्स्ट डे कलर मिलने वाला है, ठीक है। इसे इस तरह से छोड़ देंगे हम रात भर के लिए। हाँ, आप इसे आप अप्लाई कैसे करेंगे, मॉर्निंग में जब भी आप उठते हैं आधे घंटे पहले, आपको ज्यादा नहीं सिर्फ हाफ एन आवर लेना है, आधे घंटे पहले आपको इसे अपने बालों पे अप्लाई कर लेना है, अच्छी तरह से इसे छोड़ देना है। उसके बाद आप अपने बालों को अच्छे से टाई कर लीजिए, जूड़ा बना लीजिए। उसके बाद आप अपने बालों को ना सबसे पहले ना एकदम लूक वार्म वाटर जैसे होता है ना, उससे आप अपने बालों को हेयर वॉश करिए, प्लेन वाटर, दैट मीन्स थोड़ा लूक वार्म रहे। उसके बाद आप कोई भी माइल्ड शैम्पू, हर्बल शैम्पू या फिर ऑर्गेनिक शैम्पू का यूज करके ना आप अपने बालों को धो सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि सेम डे अगर आप बालों को धोना नहीं चाहते, कलर आपका पक्का हो, तो आप बालों को धोइए नहीं, आप दूसरे दिन अपने बालों को शैम्पू कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। और कैसे होता है ना, अगर आप इसे हफ्ते में दो बार यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसे आप हफ्ते में एक बार यूज कर रहे हो ना, तो आप शैम्पू दूसरे दिन ही करिए, पहले दिन ना करिए। इससे क्या होगा कि आपके बालों में ना ये अच्छे से पक्का कलर आ जाएगा। सिर्फ इसे हल्के से लूक वार्म वाटर से ही आपको वॉश करना है, ठीक है। और कुछ कोई कमेंट्स है, क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो DIY कैसी लगी जरूर बताइएगा, अमेजिंगली वर्क करने वाला फ्रेंड्स, तो जरूर ट्राई करिएगा एंड आपका फीडबैक मुझसे जरूर शेयर करिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @mumbikarbindu। और चलिए मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे।